नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी तो हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। किसी ने पांचवी कक्षा से पढ़ना शुरू किया होगा तो किसी ने पहली कक्षा से, परंतु संयुक्त हिंदी हमने कक्षा आठवीं से पढ़ना शुरू किया है। किसी ने संस्कृत संयुक्त के साथ हिंदी का चुनाव किया होगा तो किसी ने अन्य भाषा के साथ। संयुक्त हिंदी का हमारे लिए 50 गुणों का प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्रिका का स्वरूप शायद आपको पता ही होगा। कक्षा दसवीं के पाठ्य पुस्तक का नाम हिंदी लोकवाणी है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने इस पाठ्य पुस्तक का प्रारूप देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यह पाठ्य पुस्तक विविध साहित्य कृतियों से भरा है। इस पाठ्य पुस्तक में आपकी मनोकुल भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तक में कविता, गीत, गजल, पद, कहानियाँ, निबंध, हास्य व्यंग, संस्मरण, एकाकी आदि साहित्य विधाओं का समावेश किया गया है। विविध कृतियाँ, भाषा बिंदु आदि का समावेश स्वाध्याय में हुआ है। इस पाठ्य पुस्तक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहली इकाई की पहली कविता सौंधी सौंधी सुगंध, जो लिखी है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा, जो अचूक नाम से कविताएं लिखते हैं। चलो हम चले इस कविता की ओर, सौंधी सुगंध। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे, फिर पद्य संबंधी जानकारी पाएंगे और फिर हम इस पद्य की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं इस कविता के कवि डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा, जो अचूक नाम से कविता लिखते हैं, उनका परिचय देखेंगे। पहली इकाई की पहली कविता सौंधी सुगंध, डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक। इनका जन्म 1949 इटा उत्तर प्रदेश में हुआ है। डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक जी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में दिखते रहे हैं। आपने गीत, गजल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी है। इनके साथ ही साथ आपने बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। इनकी प्रमुख कृतियों को देखते हैं, फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे यह गीत संग्रह, गीत खुशी के गाओ तुम यह बाल गीत संग्रह आदि उनकी कृतियाँ प्रमुख कृतियाँ हैं। चलो हम इस पद्य के बारे में देखेंगे। पद्य संबंधी जानकारी देते हुए कहते हैं, प्रस्तुत गीत जो है यह एक गीत है और इस गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़, पौधों, नदी, तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। आपको पता है यह वर्षा ऋतु जो है हरेक के मन को भाती है, हरेक के मन में एक नई उमंग जगाती है। छोटों से लेके बड़ों तक सबके मन में इस वर्षा ऋतु के लिए एक अनोखा स्थान होता है। और यह वर्षा ऋतु जो है छोटों बड़ों को ही नहीं, हरेक को सब याद दिलाता है और हर साल कुछ नया जैसे हो, वह हर साल ये वर्षा ऋतु कुछ नया रंग लाती है। और यही होता है प्रकृति के साथ, प्रकृति भी अपना रंग बदल लेती है वर्षा ऋतु आने से ही। और यही बदलाव जो है जो पेड़ों पौधों में, नदी तालाबों में होता है, कवि ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पे
विस्तृत रूप से दिया गया है। चलो हम चले कविता की ओर, पढ़ेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ये मीठी मीठी सी खुशबू जो है, जो मिट्टी से आती है, पहली बारिश जब गिरती है ना, तभी इस खुशबू का लेना बहुत ही आनंददायक होता है। यानी यह सुगंध जो है, जो पहली बारिश के कारण मिट्टी से आती है, वो ना किसी परफ्यूम से आती है, ना किसी इत्र से, वो अनोखी खुशबू होती है। और यही खुशबू जो है, जब पहली बारिश होती है, तब यह धीमी धीमी सौंधी सौंधी सी सुगंध जो आती है, और वह माटी से बोलती है, क्या हो गया, बादल बरस गया, यानी बारिश आ गई है और धरती ने आंखें खोली है, यानी धरती भी जाग उठी है, क्योंकि उसको अभी हरियाली परिधान करनी है। और धरती जो है जाग उठी है, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, मयूरा यानी मोर जो है नाच नाच कर सबको बता रहा है कि अभी वर्षा ऋतु आ रही है, वर्षा के कारण क्या होने वाला है, हर जगह हरियाली छाने वाली है। और यह हरियाली जो है सबको मन, सबका मन जो है बहलाने वाली है, और ये मोर जो है नाच नाच कर इसका सबको आगाज दे रहा है। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, हमारा सदियों से सपना है कि हमारी धरती जो है हरी भरी रहे, और वह सदा के लिए हरी भरी रहे, और यह सपना बारिश जो है यानी ये वर्षा ऋतु जो है वह पूरा कर देती है, और एक यहाँ नहीं पर नहीं अकेला होगी टोली, टोली के साथ यह वर्षा ऋतु पूरे सृष्टि को, पूरे निसर्ग को, पूरे इस जहान को हरा भरा बनाने वाली है, और यह सौंधी सौंधी सी सुगंध जो है हर जगह फैलने वाली है, और यह माटी जो है यह इस सौंधी सौंधी से सुगंध से परिपूर्ण होने वाली है। देखो वर्षा ऋतु जो है ना सचमुच हर एक के लिए वरदान होती है, किसानों के लिए तो यह वरदान है ही, और किसान जो है इस वर्षा ऋतु की बड़ी बेसब्री से राह देखता है, और इसी के कारण वह अपने काम जो है वर्षा ऋतु को आने के पहले सब अपने काम जो है निपट कर इसके आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि उसको बीज बोने होते हैं, और जैसे ही वर्षा ऋतु आते हैं उसका मन तो फूले नहीं समाता है। चलो आगे देखेंगे कवि क्या कहना चाहते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। क्या हुआ है, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुरा रहे हैं, बाग बगीचे में तो आनंद ही आनंद छाया है, क्योंकि बारिश के कारण वहां में होने वाले सभी पेड़ पौधे जो है वह झूम उठे हैं, ताल तलैया में पानी भर आया है, और इसी के कारण सब मुस्काए हुए हैं, और झूम झूम कर यानी कौन मस्ती में झूम झूम कर कौन करता है, गीत सुनाता है, कौन सुनाता है, तरु, तरु यानी पेड़ जो है वह डोलते हुए मस्ती करते हुए जैसे गीत सुना रहा है। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, और यह पवन जो है, और यह पवन के कारण हिलने ढुलने वाले यह तरु जो है अपने ही गीत में गाते हुए, और इस पवन ने क्या किया है तो अपनी झोली खोली है, हर जगह वह दौड़ रहा लगा रहा है, और इस वर्षा ऋतु को यहाँ से वहाँ वह नचा रहा है, यह सब हो रहा है, और सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से यही बोल रही है।
चलो आगे चलते हैं इस कविता की ओर। इस कविता में आगे कवि कहते हैं, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया है, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का मंसूबा था, यानी आपको पता है व्हाट इज वाटर साइकिल, ओके वाटर साइकिल आपने पढ़ा है। तो ये जो है पानी का चक्र, जो समुद्र से क्या होता है, पानी की भाप होती है, वह ऊपर चला जाता है और फिर हमें उसका बारिश का रूप जो है हमें मिल जाता है। और ये जो मंसूबा है यह सागर से होता है और वहाँ से वह चाहता है कि धरती जो है मेरी वजह से हरी भरी हो जाए, और उसी के कारण वह चाहता है, वही सागर का मंसूबा जो है वह सफल हो गया है, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया है। और उसको खुशी हो रही है कि मेरे बारिश के कारण ही धरती जो है हरी भरी हो गई है, हर जगह हरियाली छाई है, किसानों ने अपने काम करना शुरू किए हैं, अनाज के कारण यह देश जो है हर जगह जो है समृद्ध हो जाएगा, और इतना ही नहीं हर इंसान जो है खुशियाँ पाएगा, और यह खुशियाँ जो है यह इस बारिश ने सबको दे दी है, और इस खुशियों की दुनिया में आकर वह खो गया है। धरती ने क्या किया है, तो श्रृंगार किया है, धरती ने हरी सी ऐसी साड़ी जैसे पहन ली है और खुद को अच्छे से सजा लिया है, किसके कारण, इस बारिश के कारण, इस वर्षा ऋतु के कारण, और इसीलिए यह सौंधी सौंधी सी सुगंध जो है हर जगह फैल रही है और यह माटी जो है हमसे बोल रही है। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस यानी बारिश का मधुमास, जिस तरह से बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु आते ही क्या होता है, निसर्ग का जो है रूप ही बदलना शुरू हो जाता है, कोयल की गान सुनाई पड़ती है, पत्ते जो है झड़ जाते हैं, नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, एक तरह से हमें एक आगाज दी जाती है यह प्रकृति कि अभी बारिश का मौसम, वर्षा ऋतु का मौसम आने वाला है, और यह पावस का मधुमास जो है आस और विश्वास बढ़ाता है। वह क्या कहता है, जिसे किसानों के मन में एक तरह के विश्वास का यहाँ पैदा होना बहुत ही, और वह होता है किस कारण, इस बारिश के कारण, उसको पता है कि यह वर्षा ऋतु आएगी, मेरे खेतों खलिहानों जो है वह जो भी धान से जो है वह लहलहा उठेंगे, और यह विश्वास इस किसान में पैदा हो जाता है, और नतमस्तक यानी अपना सिर झुकाकर नम्र होकर अचूक जो है, अचूक यानी यह कवि जो है जो अचूक नाम से कविता लिखते हैं, और पद में यानी पैरों पर पुष्प यानी फूल जो है, फूल सुमन चढ़ाता है, और वो कैसे होता है, तो नम्र होकर चढ़ाता है। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, देखो बारिश तो हर साल आती है, फिर भी उसमें एक नयापन जो है हमें दिखाई देता है, सदियों से यही हंसी जो है हर एक के मुख पर आ जाती है, यह बारिश जो है छोटे से लेके बड़ों तक हर एक के मन को जो है एक तरह की आनंद जो है, एक आनंद देती है, एक तरह का ऐसा एहसास देती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, और इसी वर्षा ऋतु के कारण आज इस धरती पर जीवन है, आज हम जो किसानों के कारण जिंदा है, देखो किसान अगर अनाज नहीं उगाते तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, और यह किसान जो है, हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है आपको पता है, और इस कृषि प्रधान देश में यह कृषक यानी ये किसान जो है यह हमारे अन्नदाता है, और यह किसान हमेशा राह देखता है तो इस वर्षा ऋतु की,
और इसी तरह से यह वर्षा ऋतु हर एक के मन में एक नई उमंग जगाती है। नदी तूफान उफान भरे इस गीत संग्रह से यह कविता ली गई है। कवि अचूक जो है इनका यह गीत संग्रह है जिससे यह कविता ली गई है। एक बहुत ही अनोखी ऐसी कविता है जो सचमुच इस प्रकृति का, जो वर्षा ऋतु के कारण इसमें जो जो परिवर्तन आते हैं उसका एक अच्छी तरह से वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई हो। चलो हम देखते हैं इस कविता में जो आप कुछ शब्द संसार आए हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, चले हम उसकी ओर। शब्द संसार जो आपके पाठ्य पुस्तक में आए हैं, सौंधी यानी सुगंधित, मंसूबा यानी विचार इरादा, रोली यानी हल्दी चूने का चूर्ण, मधुमास यानी वसंत ऋतु। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ यानी यह कविता जो है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलो चलते हैं आगे और कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि हम मिलने वाले हैं अगले पाठ के साथ। तब तक धन्यवाद और नमस्कार।